हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बना रही हूँ मसाले वाली पराठा, काफ़ी टेस्टी। मैं आटा गूंद के पहले रख ली थी और देखिए मैं बेल के और सारे मसाले इसमें डाल के बनाऊँगी। समझिए तो ये गार्लिक पराठा है और लेकिन अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। आप लोग देखिए और बनाइए, काफ़ी ईजी मेथड है ये बनाने का तरीका। अब मैं पराठे को ना बेल लूँगी और मैं आटा में नमक नहीं डाली हूँ, एकदम सिंपल आटा गूँधी हूँ और इसमें अब मैं सारे मसाला डालूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 बूंद ऑयल डाल के इसे मिक्स में कर ली हूँ, पूरे चारों तरफ लग गया। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले को। तो ये गार्लिक है क्योंकि गार्लिक पराठा मैं बना रही थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ा जुकाम हो रखा है तो मैं उन्हीं के लिए बना रही थी गार्लिक पराठा। आप चाहे तो पहले से कद्दूकस करके रख लें, लेकिन मैं साथ में घीस के डाल रही हूँ। 2 से 3 कली मैं गार्लिक का घीस दूँगी इसमें, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी, जुकाम था उन्हें तो ये पराठा काफ़ी अच्छा लगा था। देखिए इतना सारा गार्लिक मैं डाली हूँ इसमें, इसको भी हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे, फैला देंगे। अब मैं ये धनिया पत्ता, हरा धनिया और ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्माहट के लिए। और मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला है, सब चीज़ मैं ऐसे ही हाथ से ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा है ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च और ये मैं फोल्ड कर दूंगी पराठे को। मैं चकोर में बनाऊंगी इसे, आप चाहें तो इस पे लच्छा पराठा भी इसे बना सकते हैं, बस उसे फोल्ड करने का तरीका अलग होता है। और मैं इसी तरीके से बेल लूंगी इसे, आराम आराम से बेलेंगे क्योंकि अंदर मसाला है इसमें। फ्रेंड्स ये जुकाम में हो गया है या अभी सीजन आ रहा है ना सर्दी का, तो उसके लिए ना पराठा काफ़ी अच्छा होता है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाना खाना और अपनों को खिलाना। मैं तवा रख दी हूँ और ये हमारा तवा गर्म हो गया था, मैं पराठा डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मीडियम आंच पे इसे सेकना है, ना ज़्यादा तेज ना कम। कम रखेंगे तो टाइट हो जाएगा, तेज रखेंगे तो जल जाएगा, इसलिए मीडियम आँच पर इसे सेकना है। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसे अच्छी तरीके से सेक लूँगी। फ्रेंड्स इस पराठे को आप चटनी के साथ, केचप के साथ या चाय के साथ, रोटी के साथ आप खा सकते हैं। और आप चाहे तो दही, मेरे हस्बैंड को तो जुकाम था ना इसलिए मैं तो दही दे नहीं सकती उनको, तो आप रायता के साथ भी इस पराठा को खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है गार्लिक पराठा। तो खाइए, अपनों को खाइए, अपनों को खिलाइए। पराठा को सेक लेंगे, अच्छी तरीके से दबा दबा के सेकेंगे। फ्रेंड पराठा को सेकना भी एक बहुत बड़ी कला है अच्छी तरीके से। काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो जा रहा है इस चैनल पे, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए बना करके। मेरा काफ़ी आसान तरीका होता है बनाने का और यम्मी तो होता है, बच्चों को पसंद भी आता है, बड़े को भी पसंद आता है। जैसे कि आज का ये पराठा सबको पसंद आएगा, आप भी अपने घर में बनाइए और अपनों को खिलाइए। और इस तरह मैं दो पराठा बनाई थी, फटाफट मैं सेक लेती हूँ और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं खाने के लिए, मैं उनको दूंगी। मसाले वाली गार्लिक पराठा हमारा पराठा मैं उतार ली, बन के रेडी हो गया है और लास्ट में देखिए हमारा ये पराठा। थैंक यू फ्रेंड्स।